सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज फैलाने वालों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा जिसको लेकर एसपी पंकज श्रीवास्तव ने मैसेज को फॉरवर्ड करने वालों को चेतावनी जारी की। एसपी ने कहा, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज चल रहा जिसमें कहा जा रहा है कि 8 जनवरी को स्टेडियम में एकत्रित होकर सीएए का समर्थन करें, लेकिन इस तरह की कोई भी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। वर्तमान में धारा 144 लागू है और ऐसे में बगैर अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता और अनुमति के बगैर ये भ्रम पैदा करने वाले मैसेज को करने वालों को नोटिस देकर पूछताछ की जाएगी। मामले में पिछले दिनों ये देखने में आया था कि व्हाट्सएप पे एक इस तरह का मैसेज कुछ लोग डाल रहे हैं और फॉरवर्ड कर रहे हैं कि 8 तारीख को स्टेडियम में 1 बजे जो इतने भी देशभक्त हैं शाहजहांपुर के उनको इकट्ठा होना है और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका समर्थन करना है। इस तरह की कोई भी अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। धारा 144 लागू है जिसके तहत ये आवश्यक है कि आप कोई भी अगर कार्यक्रम करते हैं तो उसकी पूर्व अनुमति प्रशासन से लेंगे। इस अनुमति के बिना इस तरह का कोई मैसेज करना कि लोग इस दिनांक को इस जगह इकट्ठा हो जाएं, ये एक भ्रम पैदा करना और एक तरह से एक कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने के लिए लोगों को भड़काने जैसी स्थिति है। इसके लिए जो भी लोग इस मैसेज को फॉरवर्ड किए हैं या डाल रहे हैं उनसे एक नोटिस देकर यह पूछा जाएगा कि उनके पास यदि कोई अनुमति है तो प्रस्तुत करें, यदि उनके पास इस तरह की कोई अनुमति नहीं है तो उसमें 144 के उल्लंघन में धारा 188 के तहत उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट।